हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने भारतीय जनता पार्टी से प्रचार और तैयारियों में आगे होने का दावा किया है। राजीव शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही है। शुक्ला ने बताया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़े का हिमाचल दौरा 6 नवंबर को प्रस्तावित है और कांग्रेस बागियों को भी मना रही है। कांग्रेस से ज्यादा बागी भाजपा में है। राजीव शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशियों की प्रदेश भर में तारीफ की जा रही है। राजीव शुक्ला ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सत्ता में आते ही अपनी 10 गारंटियों को लागू करेगी। राजीव शुक्ला ने बागियों को मना लेने का भी दावा किया है। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रचार प्रसार में लगातार आगे बढ़ रही है। सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी प्रचार में जुटे हुए हैं। कांग्रेस प्रभारी ने दावा किया है कि जल्द ही पार्टी घोषणा पत्र भी जारी कर देगी। साथ ही उन्होंने जल्द ही भाजपा सरकार के खिलाफ चार्जशीट लाने की भी बात कही है। और हम तैयारी बहुत आगे भाजपा से हमारे टिकट वितरण की हर जगह तारीफ हो रही है, प्रशंसा हो रही है। और उसके अलावा जो हमारे सारे कैंडिडेट जुट गए, कैंपेन हमारा चल रहा है। प्रियंका जी ने सोलन से उसकी शुरुआत की थी, आगे मंडी में 30 तारीख को रैली है। इस तरह से हमारा सारा प्रचार अभियान और बाकी जो स्टार कैंपेनर है वो भी सब आ रहे हैं और हम जल्दी अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी करेंगे। हर तरफ से, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो हमें खबर आ रही है कि कांग्रेस की हवा चल रही है, धीरे धीरे सब बोलने लगे हैं, वहाँ के पत्रकार भी बोल रहे हैं, सब आम लोग भी बोल रहे हैं। और हमने जो एक अच्छी बात की आपको लिस्ट देंगे, हमारे कैंडिडेट के सिलेक्शन मांगे, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई MBA है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई PhD है ना, तो अच्छे लोगों को राजनीति में लाने का भी एक वो है। तो इस तरह से हमने इन सबका ये करके एक ऐसा लोगों के सामने रखा ताकि हिमालय जो हिमाचल है उसका स्वरूप ही बदले आगे आगे और विकास के पथ पे आगे बढ़े। हमने 10 गारंटी दी है जिसमें हम युवकों के लिए, महिलाओं के लिए और सरकारी कर्मचारियों के लिए OPSB लागू करना और ये सारी चीज़ें हमारी जो राज्य सरकार ने लागू करके दिखा दिया है, तो आप देखेंगे कि इसका बहुत फर्क पड़ेगा और 2/3 बहुमत से कांग्रेस जीतेगी। न्यूज डेस्क N1 लाइव।